अगर आप भी भूत प्रेत की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फियरफुल नाइट को, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियाँ हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना हुआ है तो आप अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, दिल्ली कंटेनमेंट के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। दिल्ली कंटेनमेंट, जिसे टॉप 100 प्लेसेस में से एक माना जाता है, आज भी लोग रात के समय उस रास्ते से जाने से डरते हैं। वहाँ रात के समय दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। लोगों का मानना है कि रात के समय जो भी इंसान उस रास्ते से जाता है, उसे वहाँ एक बहुत ही खौफनाक औरत सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है, और जो भी इंसान उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है, उसे वो औरत जान से मार देती है। और अगर कोई इंसान लिफ्ट मांगने पर नहीं रुकता है तो वो औरत उसी गति से उस गाड़ी के साथ भागती है और गाड़ी चालक को गिरा देती है। उसी दिल्ली कंटेनमेंट में हुई एक बेहद खौफनाक घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लगभग एक साल पहले दिल्ली के रहने वाले आकाश कुछ काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ कार लेकर नोएडा जा रहे थे। आकाश कार चला रहा था और आकाश का दोस्त मनीष बगल वाली सीट पे बैठा था। रात के 1 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। गाड़ी की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर थी। रास्ता सुनसान था इसलिए आकाश के दोस्त मनीष को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मनीष कार में म्यूजिक प्ले कर देता है ताकि डर ना लगे। कार दिल्ली कंटेनमेंट वाले रास्ते से होकर जा रही होती है। अचानक कार से करीब 200 मीटर की दूरी पे एक बहुत ही खूबसूरत औरत लिफ्ट मांग रही होती है। आकाश इतनी खूबसूरत औरत को देख के गाड़ी धीरे करने लगता है। तभी मनीष दीपक से कहता है, भाई हमें गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, रात के 1 बज रहे हैं और रास्ता भी सुनसान पड़ा है। तो फिर ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, भाई तू गाड़ी मत रोकना। लेकिन आकाश मनीष की बात नहीं मानता है और कार को उस औरत के पास ले जाकर रोक देता है। आकाश उस औरत से पूछता है, कहाँ जाना है आपको? औरत आगे की तरफ इशारा करती है। आकाश उस औरत को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा देता है। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर अचानक ही पीछे से उस औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों जैसे ही पीछे घूमते हैं, दोनों की चीख निकल जाती है। दरअसल वो औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिनके बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पे मर्दों की तरह बाल थे। आकाश फौरन ब्रेक लगा देता है और गाड़ी से कूदकर भागने लगता है। मनीष जैसे ही गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, अचानक कार की चारों गेट बंद हो जाती है और मनीष चाहकर भी कार से बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ घंटे बाद जब सब कुछ ठीक होता है तो मनीष कुछ लोगों के साथ कार के पास आता है। वहाँ कार तो होता है लेकिन मनीष गायब होता है। और उस घटना के बाद मनीष का कभी कुछ पता नहीं चला कि मनीष कहाँ गायब हुआ। आकाश मनीष के घर वालों को सारी बात बता देता है। कुछ दिनों बाद आकाश भी बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया घटना हुआ है तो आप अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।